हसीब को कैसे पता चला? अरे पूरे शहर में घूमते फिरते हैं, जाना होता है उस तरफ भी, चची की तरफ। चल गया होगा पता कहीं से, क्या गुल खिलाते फिर रहे हैं चची के बच्चे। किन मुझे उस्मान ने कुछ नहीं बताया। भी क्या पता उस्मान को भी ना पता हो। नहीं, कल परेशानी में गया तो था, मुझे कहने लगा कि मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, वहीं गया होगा ये। मुझे लगता है उस्मान को भी आदत पड़ गई है शफक वाली झूठ बोलने की। आता है तो पूछती हूँ उससे। चले अम्मी, बहुत काम है मुझे, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा रखती हूँ। चलो शुरू करो। अम्मी खुर्रम कहाँ है? अपने कमरे में। और कहाँ है? आप उसको बुलाए ना खाने पर। कहा था मैंने, कह रहा मुझे नहीं खाना खाना। सारा तुम जाओ खुर्रम को बुला के लाओ। बुला रही हूँ। खुर्रम भाई कह रहे हैं कि वो कमरे में ही खाएंगे। क्यों? मुझे क्या पता इस बारे में, क्यों का जवाब नहीं दिया है उन्होंने मुझे। अच्छा मैं खुद लेकर आती हूँ उसको, देखना फिर झगड़ा करेंगे उससे। खुर्रम, खुर्रम मैं तुम्हें कमरे में देखने गई, तुम यहां आ गए। खुर्रम मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। कहिए आपी। सुन रहा हूं मैं। तुम खाना खाने क्यों नहीं आ रहे हो नीचे? क्योंकि अब से मैं खाना आप लोग साथ नहीं खाऊंगा आपी, मैं अपने कमरे में खा लूंगा। क्या मतलब? मतलब आप कुछ भी समझे आपी, मैं बहुत जल्द ये घर छोड़ दूंगा। तुम मुझसे नाराज हो? अच्छा तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, और वो भी उस्मान भाई के सामने। लेकिन खुर्रम तुम अपनी गलती भी तो तस्लीम करो। ये बात बाद में भी हो सकती थी आपे, उस्मान भी तो घर का फर्दी है। अभी बने नहीं आपे। खैर छोड़े, आप नहीं समझेंगी। अच्छा मैं तुमसे माफी मांग रही थी, तुम मत नाराज हो, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। और देखो तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे फिक्र है तुम्हारी। मैं क्या करती तुम मुझे खुद बताओ, इस घर में तुम वाहिद मर्द हो, तुम्हें नहीं पता ये बात, मैं कितनी फिक्र करती हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है हम लोग रात भर सो नहीं पाए। अच्छा ये बातें छोड़ो, खत्म करो ये सब, चलो आओ चल के खाना खाते हैं। आओ ना चलो। गलती मेरी नहीं होती, फिर भी सबसे मुझे ही माफी मांगनी पड़ती है।